आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ थाना अध्यक्ष तरमा रत्नेश कुमार दुबे पुलिस टीम के द्वारा डकैती की योजना बनाते हुए अभियुक्त रिंकू राम पुत्र खर्चुराम निवासी ग्राम उचौंगा थाना तरमा जलपथ आजमगढ़ के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर व दो अवैध जिंदा कारतूस बरामद हुआ। वहीं अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम बालोलपुर सचुई थाना चिरैया कोट जलपथ मऊ की तलाशी लेने पर एक अवैध तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया। सूरज यादव पुत्र अशोक यादव निवासी खजूरा थाना तरवा जनपद आजमगढ़, विवेक सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी कोटा थाना तरवा जनपद आजमगढ़, बबलू यादव पुत्र स्वर्गीय जगलाल यादव निवासी तितरा दुम्मापार थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को रात्रि 9:30 पर ग्राम फद्दोपुर पुलिया बेसू नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। मौके से तीन अभियुक्त भागने में सफल रहे। अभियुक्तों के कब्जे से दो अदद अवैध तमंचा 315 बोर, चार अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक लोहे की सरिया व एक लोहे का राड व एक स्टील की पाइप बरामद हुआ। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया। दिनांक 20/4/22 रात्रि लगभग 9:30 बजे बेसो नदी पुल थाना तरवा से अंतर जनपदीय गिरोह जो डकैती डालने की योजना बना रहा था उसके 5 सदस्यों की गिरफ्तारी करी गई है। अंधेरा का फायदा उठा के 3 सदस्य भागने में सफल रहे हैं। ये गिरोह आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से संबंधित है। इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। इनके द्वारा जो भी अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति है उसका पता करके जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम जिसने इनकी गिरफ्तारी करी है उनको 10,000 रुपये का नकद इनाम की संस्तुति की गई है। इनसे 2 तमंचे, लोहे के रॉड और सरिये भी इनसे बरामद हुए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।